सह रहा हूँ। बेटा देखो जहाँ मैंने चैप्टर का नेम लिख रखा है स्मृति, अभी जो आपका टेस्ट है ना, अभी हमारे नवंबर में टेस्ट हो रहे हैं मिड टर्म 10 मार्क्स का, तो उसमें आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। ये हमने पहले भी कर रखा है, बट अभी कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम हमें जरा क्लियर नहीं है, तो मैं उसी के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लिखा मैंने सिमेट्री। सिमेट्री होता क्या है? सिमेट्री मीन्स किसी भी शेप के हमने 2 इक्वल पार्ट्स करने। कितने करने? 2। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्वायर है ना। स्क्वायर को देखो, मैं अगर इसको ऐसे करूँ, इसको 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे ना, ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसको मैं ऐसे भी फोल्ड कर सकती हूँ, फोल्ड करूंगी अगर, तो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखना, पार्ट बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। तो देखो एक तो मैंने ये लाइन बना दी इधर को, और एक ये बना दी, ठीक है। इसमें स्केल में एक और चीज है, तुम्हें अगर आप ऐसे भी इसको फोल्ड करोगे ना, ऐसे भी इसको पेपर को ऐसे, तब भी ये क्या हो जाता है, इक्वल पार्ट्स होते हैं, ओके। ऐसे करेंगे तब भी इसके दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं बोलूँ आपको स्केयर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्केयर, तो स्केयर में होती है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी होगी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल जैसे आपकी नोटबुक का पेज होता है ना, ऐसी शेप में होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं उसको बोलूँ आपको इसको आप कैसे डिवाइड, कैसे फोल्ड करोगे कि इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो, देखो ऐसे करेंगे तब भी इसके 2 पार्ट बराबर हो जाएंगे, ऐसे मैं इसको फोल्ड करूंगी ना इक्वल, और इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो रेक्टेंगल में, इसका नाम है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है अगर पूछा जाए, तो उसमें कितनी हुई, 1 एंड 2, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही बेटा आपने, ये तो आपका हो गया स्क्वायर रेक्टेंगल, तो यहाँ पे देखते हैं सर्कल। अब सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, देखो सर्कल एक राउंड पेज है, इसको आप जिधर को भी फोल्ड करोगे वो उसके हमें 2 इक्वल पार्ट्स ही मिलेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या इसको काउंट कर सकते हो, दे आर सो मैनी। जितना बड़ा आपका सर्कल होगा उतनी लाइनें आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आप लिखोगे सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सर्कल में होती है सो मैनी। सो मैनी मीन बहुत सारी, इनफाइनाइट, वी कांट काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा स्केयर में है 4, रेक्टेंगल में है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हम इसको 2 तरीकों से फोल्ड कर सकते हैं कि बराबर हिस्से आए, ठीक है। और सर्कल को हम बहुत सारे तरीकों से फोल्ड कर सकते हैं कि इक्वल आए 2 पार्ट्स, ठीक है। तो बेटा इसका हम करेंगे कुछ ABC में, A to Z में कैसे होता है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ए में देखना, अगर मेरे पास ए है, अब आप इमेजिन करो आप इसको कैसे लाइन लगाओ कि 2 हिस्सों में बढ़ जाए, क्या मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ? अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ निकल जाएगा, नहीं, इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे बीच से फोल्ड करूंगी ना ए काट कर, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे ए में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओनली 1। ए में कितनी है? 1। ऐसे ही बी में देखो, अगर मैं बी की बात करूँ, बी को ऐसे मैं ऐसे भी मैं कट कर सकती फोल्ड, इसको मैं करूँगी फोल्ड ऐसे, ठीक है। तो इसमें भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1, ओके।